वेलकम टू एसके प्रॉपर्टी चैनल्स और मेरा नाम है सुशील मिश्रा। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और काफी पसंद किया मेरे वीडियोस को, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, आज हम लेके आ गए एक और ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट और लोकेशन पे जो हम बात करेंगे वो है कांदिवली ईस्ट में। व्यूअर्स, प्रोजेक्ट का नाम जो है वो क्रिसेंट होरिजोन है और ये लॉन्च कर दिया है अपना 1 BHK और 2 BHK के बेहतरीन अपार्टमेंट। बात करें क्रिसेंट होरिजोन के बारे में, यहाँ पे आपको मिलता है 1 acre के लैंड पार्सल में एक सिंगल बिल्डिंग बना रहे जिसमें आपको मिलता है 2 wings। ये 21 माले की बिल्डिंग प्लान की है जिसमें आपको मिलता है रेसिडेंशियल अपार्टमेंट 1 BHK और 2 BHK का। व्यूअर्स, एमिनिटीज भी काफी अच्छी प्रोवाइड की हुई है ये प्रोजेक्ट में, जैसे कि आपका फिटनेस सेंटर है, मल्टी कोर्ट है, गार्डन है, रूफटॉप गार्डन भी प्लान किया हुआ यहाँ पे ये बिल्डर ने और काफी बेहतरीन एमिनिटीज के साथ में काफी खूबसूरत फ्लैट भी बनाया है। हम यहाँ पे देखेंगे 1 BHK और 2 BHK का सैंपल फ्लैट इनका। व्यूअर्स, बात करते हैं साइज के बारे में, साइज यहाँ पे आपको मिलता है 1 BHK का वो है 436 square feet का कार्पेट एरिया, और बात करें 2 BHK के बारे में, 2 BHK आपको मिलता है 667 का कार्पेट एरिया जो कि काफी अच्छा साइज है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ सैंपल फ्लैट 1 BHK और 2 BHK के। व्यूअर्स, प्रोजेक्ट जो है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, महारेरा से रजिस्टर्ड है और इनका 60% वर्क कम्प्लीट हो चुका है और ऑलमोस्ट 14 slab कम्प्लीटेड है, आप देख सकते हैं साइट पे भी। और लोकेशन जो है वो काफी प्राइम लोकेशन है, नियर बाय में आपको स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें जो बेसिक एमिनिटीज है वो आपको नियर बाय में मिल जाती है ये प्रोजेक्ट के। सो व्यूअर्स, आप देखते रहिए पूरे वीडियो को और मैं हर हफ्ते ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हम डायरेक्ट साइट पे और देखते हैं इनका सैंपल फ्लैट। सो व्यूअर्स, आगे हम अभी साइट पे क्रिसेंट होरिजोन के, और ये जो लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है कांदिवली ईस्ट में, और यहाँ पे मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ 2 BHK का सैंपल फ्लैट ये प्रोजेक्ट का। और पिछले हफ्ते हमने देखा 1 BHK का सैंपल फ्लैट, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको 1 BHK का रिक्वायरमेंट हो तो। सो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग इनका 60% काम कम्प्लीट हो चुका है और प्रोजेक्शन जो आपको ये दे रहे हैं वो December 2022 में दे रहे हैं। तो लेके चलता हूँ आपको अभी सैंपल फ्लैट में। सो व्यूअर्स, आगे हम 2 BHK के सैंपल फ्लैट में, और यहाँ जो साइज़ आपको मिलता है वो 667 का कार्पेट एरिया मिलता है। जी हाँ, 667 का कार्पेट एरिया यानी काफ़ी अच्छा साइज़ होता है आपका 2 BHK के लिए, काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है ये, आप देखेंगे पूरे वीडियो में। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सैंपल फ्लैट और हम हैं इस वक्त लिविंग एरिया में। जो साइज़ आपको लिविंग एरिया का मिलता है वो 10x16 का है, जिसके साथ में ही आपको मिलता है डाइनिंग एरिया, एल शेप में दिया हुआ है ये आपका लिविंग एरिया, और साथ में डाइनिंग स्पेस आप देख सकते हैं 5.6x8 का है। यहाँ पे साइज़ मैंने मेंशन किया हुआ है पूरा फ्लैट का ये वीडियो में। सो ये पूरा लिविंग एरिया आप देखिए, काफ़ी स्पेशियस लिविंग स्पेस है ये, और इंटीरियर किया हुआ है यहाँ फ्लैट के अंदर। इन केस आप इंटीरियर कराते हैं तो आपको कितना स्पेस मिलता है फ्लैट के अंदर, यहाँ पे सैंपल फ्लैट में दिखाया जा रहा है। सो व्यूअर्स, लेके चलता हूँ आपको किचन में। ये आप देख रहे हैं अभी ये किचन जो है वो सेमी मॉड्यूलर किचन आपको मिलेगा यहाँ पे। जो नीचे कैबिनेट्स लगे हुए प्लेटफॉर्म के वो एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे आपको 2 प्लेटफॉर्म मिलता है, एक आपका मेन प्लेटफॉर्म, दूसरा सर्विस प्लेटफॉर्म रहेगा। और आपको एक आइडिया दिया हुआ है कैबिनेट्स वगैरह लगा के ऊपर, आप कैबिनेट लगाते हैं तो कैसा लगता है और स्पेस आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर का एरिया, वॉशिंग मशीन का एरिया आपको किचन में ही मिल जाता है, और काफ़ी स्पेशियस किचन है ये। सो व्यूअर्स, जो साइज़ आपको यहाँ पे मिलता है वो 11.6x8 का मिलता है किचन का साइज़, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ मिलता है आपको यहाँ पे। और जैसा आप देख रहे हैं आपको टाइलिंग वर्क करके मिलेगा फ्लैट के अंदर, और जो फ्लोरिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्यूटीफाइड फ्लोरिंग एज इट इज़ मिलेगी, और इंटरनल एमिनिटीज़ में आपको वीडियो, डोर फोन, इंटरकॉम फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है बिल्डर ब्रांडेड प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। आउटर एमिनिटीज़ भी काफ़ी अच्छा है आपका, काफ़ी एमिनिटीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। और व्यूअर्स, आगे हम अभी कॉमन बाथरूम में, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये कॉमन बाथरूम है, और ये जो साइज़ मिलता है आपको यहाँ पे 7.3x4.6 का साइज़ मिलता है। वेस्टर्न पॉट वगैरह लगा हुआ है, देन फुल टाइल्स किया हुआ है बाथरूम के अंदर में।